students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 6, which is division. In previous video, I had explained you exercise 6.2. In today's video, I am going to explain you exercise 6.3. So let's start our exercise. Your question 1 is divide by the long division method and find the quotient. आपको क्या करना है बेटे, डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से और जो आपका क्वेश्चन वो आपको फाइंड आउट करना है. डिवाइड के बाद जो आंसर आता है हम उसको क्वेश्चन कहते हैं. ठीक है, सो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. डिवाइड के लिए दिस इज योर डिविडेंड एंड दिस इज योर डिवीजर. तो डिवीजर से हम 3 से 18 को डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो राइट डाउन 18 लाइक दिस और 3 आपका डिवीजर है तो वो यहाँ पर राइट डाउन होगा. अब हमें चेक करना है कि 3 की टेबल में 18 आता है या नहीं आता है. ठीक है, सो 3 वन्स आर 3, 3 टूस आर 6, 3 थ्रीस आर 9, 3 फोर्स आर 12, 3 फाइव्स आर 15, 3 सिक्स आर 18 आता है. तो कहां पर आता है, 3 सिक्स आर, मतलब 6 टाइम्स पर आ रहा है, 3 सिक्स आर 18. तो 18 आप यहां पर राइट डाउन करोगे और उसके बाद आपका नेक्स्ट रूल क्या होता है, इसको सबट्रैक्ट करना. तो आप यहां पर माइनस लिखोगे, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0. तो इसका मतलब आपका डिवीजन खत्म हो गया. ठीक है, अब आपको क्या लिखना था, फाइंड द कोशेंट. तो आप क्या लिखोगे, कोशेंट इक्वल्स टू, कौन सा है इसमें आपका कोशेंट, ये है ना हमारा आंसर 6. तो कोशेंट इक्वल्स टू 6. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए. योर डी पार्ट इज 45 डिवाइडेड बाय 5. 45 को किससे डिवाइड करना है, 5 से. तो दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज द डिवीजर. अब हम इसका कोशेंट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो 45 को हमने लिखा, देन 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं. तो हमें चेक करना है 5 की टेबल में 45 कहां पर आता है. ठीक है, सो 5 वन्स आर 5, 5 टूस आर 10, 5 थ्रीस आर 15, 5 फोर्स आर 20, 5 फाइव्स आर 25, 5 सिक्स आर 30, 5 सेवन्स आर 35, 5 एट्स आर 40, 5 नाइन्स आर 45. सो 9 टाइम्स पर आ रहा है तो 9 आपका यहां राइट डाउन होगा. ठीक है, 5 नाइन्स आर 45. देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, माइनस का. तो आप यहां पर माइनस का सिंबल पुट करोगे, देन 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 4 0. सो हमारे पास आंसर में यहां 0 बच गया. ठीक है, अब हमें क्या लिखना था, कोशेंट. सो यू विल राइट कोशेंट इक्वल्स टू, क्या था आपका कोशेंट, 9 था ना, सो आप वो 9 यहां पर राइट डाउन कर दोगे. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. योर क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ग्रुप्स. हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ठीक है, एज डायरेक्टेड, जैसा बोला गया है, मींस जैसा हमें क्वेश्चन में मेंशन है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स. और जो आपको नीचे ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है. ठीक है, सो योर ए पार्ट इज ग्रुप्स ऑफ 4. हमें क्या करना है, आपको स्टार्स की पिक्चर दिख रही है तो हमें 4-4 स्टार का एक एक ग्रुप बनाना है. ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे हमारे पास कितने ग्रुप्स आ गए, एंड देन डैश स्टार्स लेफ्ट ओवर और बाकी कितने बच गए. ठीक है, सो ग्रुप्स ऑफ 4 हम बनाएंगे, मींस एक ग्रुप में हमें कितने स्टार्स लेने, 4 स्टार्स. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4. 4 स्टार्स से हमारा एक ग्रुप बन गया. ठीक है, देन अगेन 1 2 3 एंड यहां से 4 हो जाएगा हमारा. सो 3 यहां से और 4th आपका यहां से. ठीक है, सो ये आपके कितने ग्रुप हो गए, दिस इज 1, दिस इज 2, नेक्स्ट 1 2 3 4, ये आपका कितना ग्रुप हो गया, 3. उसके बाद अगेन 2 वी आर हैविंग हेयर और 2 हम यहां से लेंगे, तो आपके 3 के बाद 4th ग्रुप ये आ गया. नेक्स्ट अगेन 4 स्टार्स लिए, 4 के बाद ये कौन सा ग्रुप हो गया आपका, 5th. यहां से 1 लेफ्ट है, इसके अंदर हम 3 और ऐड करेंगे तो हमारे पास
कौन सा ग्रुप आ जाएगा फाइव के बाद सिक्स एंड देन अगेन वी आर हैविंग द फोर स्टार सेवन. तो हमारे पास कितने ग्रुप बन गए, हमने काउंटिंग लिखी हुई है तो हमें दोबारा काउंटिंग की नीड नहीं पड़ेगी. नंबर ऑफ ग्रुप्स वी आर हैविंग सेवन. डैश स्टार्स लेफ्ट ओवर, कोई स्टार लेफ्ट ओवर है, कोई स्टार बचा है आपका, नहीं बचा ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे जीरो, क्योंकि आपके पास कोई स्टार नहीं बचा है. अब ये डिवाइड कैसे हुआ बेटे, आप फोर की टेबल रीड आउट करो, आपके पास टोटल स्टार्स कितने हैं आप काउंटिंग कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट. तो मेरे पास स्टार्स कितने 28 और ग्रुप कितने का बनाया मैंने, फोर का बनाया ना, तो डिवाइडेड बाय फोर. आप चेक कर सकते हो फोर की टेबल में 28 कहां पर आता है, सेवन टाइम्स में, तो इसलिए मेरे पास सेवन ग्रुप्स ही बने और नंबर ऑफ स्टार्स लेफ्ट ओवर जीरो है, ठीक है. नेक्स्ट सी पार्ट है ग्रुप्स ऑफ सिक्स. अब आपको कितने का ग्रुप बनाना है, सिक्स का ग्रुप बनाना है. सो हम ग्रुप के ऊपर नंबरिंग लिखेंगे ताकि हमें दोबारा काउंटिंग ना करनी पड़े, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. सो यहां तक आपका ग्रुप नंबर वन हो गया, ठीक है. उसके बाद यहां से आपका वन बच गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. सो यहां तक हमारे पास ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, टू. अगेन आपका वन बच गया यहां से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो गया आपका ग्रुप नंबर थ्री. सो मेरे पास टोटल ग्रुप्स कितने बने हैं, थ्री. डैश लीव्स लेफ्ट ओवर, कुछ लीव्स बची हुई हैं अभी मेरे पास, कितनी है, वन टू. तो मींस टू लीव्स ऐसी हैं जो किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं हो रही है, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ डिविजन मेथड. हम ग्रुप बनाकर, डिविजन का मतलब क्या होता है, इक्वल डिवाइड करना, तो हमने इक्वली इसको डिवाइड किया है, ठीक है. एक ग्रुप में सिक्स सिक्स स्टार्स हैं, ओके. आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर टू. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन वन एंड टू. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.